प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर पुलिस ने सख्त रुख इख्तियार किया हुआ है। टीकमगढ़ में रेत कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलग अलग जगहों पर परिवहन करते हुए 17 ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक को जब्त किए गए हैं। एनजीटी और शासन की रोक के बावजूद धड़ल्ले से काला कारोबार चल रहा था। मामले में एसपी का कहना है कि पकड़े गए वाहनों के बारे में जांच रिपोर्ट खनिज विभाग को सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। सूचना लगाई गई तथा 3 जगहों पर चेकिंग लगाई गई, सागर रोड पे, झांसी रोड पे और जतारा रोड पे। तो इसी चेकिंग के दौरान हमें करीब 17 गाड़ियां अवैध परिवहन करते हुए मिली हैं, जिनको हमने जब्त कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए हम खनिज विभाग को सौंप देंगे।